तो खैर रात हम काफ़ी लेट पहुंचे, और चूंकि इतना सफ़र किया हुआ था तो बस आते ही हमने सोना ही बेहतर समझा। और अभी बस उठे हैं, अब नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर हम थोड़ी देर बाहर काश घूमने फिरने जाएंगे, थोड़ा सेटल इन होंगे। चलें अब बस निकलते हैं कहीं बाहर के लिए। अभी तो बस अभी ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर आए हुए हैं, अब बस घर चलते हैं थोड़ी देर तक और फिर सोते हैं, और फिर सुबह जाना भी हमने। तो खैर हियर कम्स द नेक्स्ट डे। आज हमारा हॉस्पिटल में डे वन है, तो बस हम ज़रा जल्दी उठ गए और अभी बस तैयार शार हो के हम लोग निकलने लगे। और मौसम आज काफ़ी कंपैरेटिवली बेहतर है पिछले कल के दिनों से, तो और बड़ा खूबसूरत सुबह हुई हुई है, बड़ी अच्छी ब्राइट मॉर्निंग है। तो चलें हॉस्पिटल चलते हैं सर। इवन के आजकल तो आप पाकिस्तान में, मेरा सीनियर मुझे बता रहा था, पाकिस्तान में भी MSRI का एग्जाम होता है। हाँ वहाँ भी दे सकते हैं। वहाँ देख के यहाँ पे खैर सर सीन्स अब कुछ यूँ हैं। आज हमारा फर्स्ट डे था अटैचमेंट का, और सुबह हम बगैर नाश्ता किए जल्दी में निकल आए, और अब हमें लग गई है भूख। टाइम तकरीबन 11:30 का हो चुका है, तो अभी हमारे वार्ड राउंड और वो सब काम जो होने थे वो भी कर लिए, तो अब हम निकले हैं कुछ खाने। अब हमें मसला ये, हमें पता नहीं है यहाँ पे हलाल फूड हमें मिलेगी कहाँ पे, तो मेरा भी ख्याल है कि हम कुछ ग्रॉसरी करते हैं और फिर उसमें से कुछ बना के कुछ खा लेते हैं। किसी को इस तरह की कोई टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हलाल फूड हमें नहीं मिलनी। यहाँ से तकरीबन 7 मिनट्स वॉक पे हमें एक मार्ट शो हो रहा है, तो बस अब वहाँ की वॉक की तैयारी है, वहाँ चलते हैं। और ये देखें जी आज हमने कैसे मैचिंग करके स्क्रब्स पहन लिए हैं। बड़े हाउस जॉब के बाद पहले दिन मैंने स्क्रब्स पहने आज ये, और मुझे खुद छोटा हो गया। मेरा यहाँ पे नाम था वो भी अब फेड हो चुका है, तो बस कुछ ऐसा ही सीन्स हैं। चलिए सर हाँ चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो भाई जान सीन्स कुछ यूँ बने हैं कि हम अपनी तरफ से निकले थे कुछ खाने, ठीक है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं लग रहा। अच्छा खासा हम हॉस्पिटल में खाने लगे थे उनके कैफेटेरिया से, लेकिन मैडम को शौक था कुछ बाहर से खाने का, बाहर से नहीं हलाल खाने। मैडम को कुछ हलाल खाने का शौक था, जबकि वहाँ एक हलाल सैंडविच मिल रहा था, लेकिन मदाम जो है वो टोमेटो सैंडविच कुछ तो था, कुछ ना होने से बेहतर था। तो खैर अब सीन ये है कि अब हम बस में बैठे, और हम बस में बैठ के अपनी तरफ से एक रेस्टोरेंट के करीब उतरे। जब वहाँ गए तो पता लगा रेस्टोरेंट बंद है। अब हम चुप करके इज्जत से वॉक करके वापस हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसी कैफेटेरिया से वही टोमेटो सैंडविच खाने। तो अब बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे होपफुली, यहाँ से तकरीबन ये 8-10 मिनट की वॉक है, और फिर कुछ खाएंगे और फिर देखते हैं। फिर सर हॉस्पिटल वापस पहुँच गए, 10 मिनट वॉक करके खाली पेट। स्लाइड राइट, अब बस चलते हैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कोवेंट्री, चलते हैं, चल के कुछ खाते हैं। वही टोमेटो सैंडविच जिससे मैडम भागी थी, अब वही मैडम को उनके लाएंगे, और साथ फिर वापस अपने वार्ड में जाने का टाइम हो जाएगा। हाउ इज योर पिज्जा? आगे बताऊं जी, तो सैंडविच खाने आए थे पर हमें वेजिटेरियन पिज्ज़ा मिल गया, तो अब हमने वेजिटेरियन पिज्ज़ा और फ्राइज इन्जॉय किए, और अब चलते हैं वापस बॉर्ड में। डे वन कम्स टू एन एंड, और अभी हम अपना फाइनली वार्ड से फ्री होके निकले हैं, और अभी बस वेट कर रहे हैं घर जाने का। मौसम आज गर्म है एज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने ये सोच कहे थे कि इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन गर्मी के हालात कुछ वैसे ही हैं। बाकी नवेरा की हालत आप देख सकते हैं। मैडम आज चल चल के बहुत बुरा थक गई हैं। कितनी वॉक कर ली होगी सुबह से तुमने? अभी आपका बस चले तो आपने और वॉक करा दी। मैं असल में इसको सुबह ये कह के ले गया था कि आओ तुम्हें कहीं बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर चलता हूँ। लेकर गया, आधे रास्ते मैंने इसे बस से उतार लिया, क्योंकि मुझे लगा वहाँ कुछ होगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर वहां से मैंने इसे 15-20 मिनट की वॉक करा के वापस हॉस्पिटल लाया, तब से इसका ये हाल हो गया। और अब आप मुझे दोबारा लेके जा रहे थे, पर अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं चले। यार असल में मुझे ये है कि थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाना है, फिर कहीं निकल नहीं पाना, कल सुबह फिर यही रूटीन होनी है। तो खैर चलो। खैर सर द डे वन एट द वार्ड वॉज फन, चूँकि डे वन था हमें ज़्यादा पता कुछ नहीं था, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें पता लगी कि कहाँ जाना है, कहाँ कौन सा रूम है, अपने सिक्योरिटी कार्ड्स बनवाए, डिफरेंट एरियाज़ के लिए एक्सेस लिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विजिट किए,
और वॉलंटियर किया डिफरेंट चीज़ों के लिए, उसके अलावा ऑडिट्स के लिए थोड़ी एफर्ट की, और खैर हमारे जो थे कंसल्टेंट उनसे आज हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, वो चूँकि आज नहीं थे, तो होपफुली अगले एक दो दिन में उनसे भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। और दिस इज़ हाउ द डे कम्स टू एन एंड। बीच में हम सब थोड़ी देर इकट्ठे हुए थे लंच के लिए, वहाँ हमने लंच किया, वहाँ पे भी इशू वही था थोड़ा सा, सिर्फ हलाल फूड वाला में इशू फेस हुआ, तो हमने कहा कि वो कौन सा पिज़्ज़ा लिया हमने, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, लेकिन कल से हम जो है अपना लंच घर से लेके आएंगे। बेसिकली भी हमारा प्लान भी यही है कि यहाँ से फ्री होके थोड़ा ग्रॉसरी के लिए जाएं और वहाँ से अपना जो ब्रेकफास्ट का सामान है वो ले लें, और बस फिर ले के ताकि हमें कल से खाने का मसला ना हो। बाकी डॉक्टर्स बहुत हेल्पिंग थे, इट वाज़ वेरी नाइस, और मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स जो थे वो पाकिस्तान के ही थे, एक रावलपिंडी से था, एक लाहौर से था, एक नेपाल का था हमारे साथ जो अटैचमेंट के लिए आया हुआ था, और जो कंसल्टेंट थे हमारे वो इंडिया से हैं, और इट इज़ व्हाट इट इज़। सर ये हॉस्पिटल है जहाँ हमें अटैचमेंट मिली है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कोवेंट्री, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, और अगर आप पाकिस्तान से आए हुए हो तो आपके लिए एक बड़ा डिफरेंट माहौल होता है हॉस्पिटल का, ऐसा माहौल आप पाकिस्तान में यूजुअली नहीं एक्सपीरियंस करते अनटिल और अनलेस आप किसी बड़े अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे। तो हम जैसे जो लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों के ज़्यादातर ट्रेनीज़ हैं या वहाँ ज़्यादा उन्होंने उनका वर्क एक्सपीरियंस वहाँ का है, तो उनके लिए एक बड़ी मज़ेदार और एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और आई थिंक आपको बिफोर स्टार्टिंग अ जॉब इन एन अंडर NHS आपको लाजमी कोई अटैचमेंट या इस तरह की चीज़ करनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैं इस सिस्टम के लिए सूटेबल हूँ भी या नहीं, मैं इसमें एडजस्ट हो भी पाऊँगा या नहीं। ये सारी जो है ये हॉस्पिटल की पार्किंग है, और बस इसी तरह ही चल रहा है सर, देखें अब। सर आज रास्ते में वापसी पे कुछ ये खूबसूरत सा एक बच्चों का पार्क है जो हमारी नज़र से गुजरा, हमने कहा क्यों ना इस पार्क से होते हुए चलें, बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी पुरसुक। खैर सर अब हम जा रहे हैं वापस, आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, और एक डॉक्टर थे हमारे सीनियर रजिस्ट्रार, उन्होंने बड़ी अच्छी हमारी जो है वो क्लास ली 3 घंटे की सिटी स्कैन के, हमें सारे बेसिक्स और इन डेप्थ समझाया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हुंडायल ये लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब एक आए गोरा था, उसने कहा व्हाट इज़ दिस हुंडायल, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कब क्या बताऊँ, फिर उन्होंने कहा हुंडायल इज़ माई फैमिली नेम, कहता देन व्हाट इज़ फारूक, मैंने कहा दैट्स माई फादर नेम, कहता इज़न्ट योर फादर्स नेम योर फैमिली ऑन योर फैमिलीज नेम, मैंने कहा इट इज़ बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो बस ऐसे ही था। घूम भी तो सही कहा रह गया, तू सर ये सीन्स हैं, वापस घर जा रहे थे, खूबसूरत पार्क नजर आया, अब यहाँ रुक गए, अब सोच रहे हैं कुछ खाने को लाएं और यहाँ बैठकर खाएं, क्या ख्याल है ना मैडम न्यूरोसर्जन, क्या ख्याल आते हैं आपके। चले जी लेट्स गो। तो खैर अभी रात हो गई है, और चूँकि हमने सुबह नाश्ते का सामान लेना था तो अभी हम ज़रा चल रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, चलते हैं ग्रॉसरी करते हैं और होपफुली हमें कोई अच्छी चीज़ अपनी मर्ज़ी की मिल जाएंगी। ट्राइंग टू फाइंड हलाल ऑप्शंस, डिसाइडिंग पैनकेक्स, लास्ट टाइम हम पैनकेक्स का ब्रेकफास्ट करते थे और वो बड़ा मज़े का लगता था। जॉब से आके हम लोग सो गए क्योंकि हमें आज थकावट हुई हुई थी बहुत ज़्यादा, यूज़ टू हम थे नहीं इस रूटीन के, तो आज पहले दिन सही तरह से हलाल करके खानी पड़ी तो हमारी हो गई बस, ठीक है जी। और फिर खैर अभी रात को उठे हैं थोड़ी देर पहले, अभी डिनर किया, डिनर करने के अलावा नवेरा ने कुछ अपनी हमने खैर दोनों ने अपने नाश्ते का कुछ सामान अरेंज करना था तो ग्रॉसरी करने गए हुए थे वो की है, और अभी वापस आए हैं, कुछ रेंडम क्लिप्स देखे हैं, मैच देखा है, खाना खाया है, व्लॉग्स देखे हैं, अपना सुबह का नाश्ता सॉर्ट किया है, और अब हम थोड़ी सी कर रहे हैं वॉक और इसके बाद हम जाएंगे सोने। चलें जी आज के व्लॉग का यहाँ एंड करते हैं, कल आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। ओके जी तो अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी अटेंड कर सकते हैं, और टीचिंग ये प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली तो हमारा मूड है ये हाइपोनेट्री में अटेंड करने का, बाकी डिफरेंट क्लासेस एंड कोर्सेज होते हैं, आप ये भी अटेंड कर सकते हैं।
जी ये अहमद जो है अपना फ्री हेल्थ चेक करने गए हैं। लेट्स सी क्या पता चलता है। इसमें आपने अपना हाथ डालना है। He's doing a health check. ये देखिए जी मैडम जो है वो स्पेस शिप में बैठ गई हैं अपने और स्पेस में जाने के लिए तैयार हैं और बेसिकली इट्स अ फ्री हेल्थ चेक और यू कैन गेट योर ब्लड प्रेशर योर हार्ट रेट योर वेट योर हाइट your BMI, your risk of getting any MI or any stroke in the next couple of years, and your stress level. So ab madam baithi hain, inka baki sab to normal aayega, inka stress level jo hai wo shayad meri wajah se kuch upar niche ho sakta hai, kuch kaha nahi ja sakta us bare mein. Any comments about that? Filling in her information. That's your cup of tea. Look here. Look here. Okay, जी तो ये मेरी हार्ट है जी ये 23 है तो देखें दिल तो बच्चा है जी देख लो तुम्हारा दिल मैंने कितना जवान रखा हुआ है मेरा दिल तुमने 40 years का किया हुआ है yeah right मैंने yeah right मेरा स्ट्रेस लेवल देखा आपने अमर 8 आया है आपका कितना था ठीक है अब यह आपका किस वजह से था या आपका मेरी वजह से टू और मेरा किस वजह से एट है हमारी अपनी वजह से जी बिल्कुल तो आज सर खैर फाइनली हमारी हमारे कंसल्टेंट से मुलाकात हो गई अभी मुलाकात हुई है थोड़ा सा राउंड करवाया तो कंसल्टेंट सेट के भाई चलें चल के ज़रा पहले को कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं थोड़ी गपशप करते हैं और एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं तो बस अभी हम चल रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए कॉफी बाय कंसल्टेंट दिस इज द डॉक्टर्स रूम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं थोड़ी सी और चिल करते हैं लंच कर सकते हैं अपना सामान रखते हैं गोरा कंसल्टेंट है जी वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया उसने मुझे कहा कि मुझे तुम बिरयानी खिलाओगे मुझे कहा है बेसिकली मुझे कहा उसने अच्छा, पूछा बेगम क्या बना के खिलाती है मैंने कहा कुछ भी नहीं कहते हैं बिरयानी बनवाओ इससे वो खुद भी खाना और मेरे लिए भी लेके आना तो अब ये नवेरा के ऊपर है कि किस दिन बिरयानी बनाती है और बेसिकली जो हमारे अल्टीमेट कंसल्टेंट है जिन्होंने मेरे एक्सेप्ट भी किया था और जो इंचार्ज ही इज़ डॉक्टर रहीम फ्रॉम इंडिया बहुत नाइस आदमी है बहुत ग्रेट बंदा है और उन्होंने आज हमें कॉफ़ी भी पिलाई और फिर साथ बैठ के हमारे को आधा पौना घंटा उन्होंने कल काउंसलिंग सेशन जिसे कहते हैं ना वो किया कि बाकी बस हमने राउंड किया बहुत सारे वार्ड्स में राउंड किया और उसके बाद अभी एक मेडिकल एजुकेशनल सेमिनार अटेंड टीचिंग सेमिनार अटेंड करके आए हैं एक घंटे का एंड अब बस हो गया ऑस्टियोपोरोसिस और मैडम घंटा सोती रही है मैं नहीं सोई आप सोए हैं आपको टॉपिक भी नहीं पता सो इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे और अब चलते हैं घर अब हम निकलने लगे हैं सर Should we start? Yeah. It's raining. सर सीन्स यूँ हैं छुट्टी हो गई बस लेट हो गई बस डिले हो गई बस मिल गई तो बारिश शुरू हो गई अभी बस ने हमें यहाँ स्टॉप पे उतारा है अब हम वॉक करके घर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन 8-9 मिनट की वॉक है और ये बड़ा खूबसूरत पार्क है जो रोज़ हमारे रास्ते में आता है और यहाँ दिल करता है बंदा पिकनिक करे बैठ के
लेकिन बस अभी टाइम नहीं मिल रहा। होपफुली जल्दी टाइम मिलेगा और किसी वीकेंड पे यहाँ हम आके बैठेंगे और पार्क करेंगे, पार्क ही करेंगे, पिकनिक करेंगे। लेट्स गो होम। ये वो मोहब्बतें वाले पत्ते सारे खिल रहे हैं। आज हमारा घर में डिनर करने का मूड नहीं हो रहा था, तो हम सब ने सोचा कि बाहर चल के कुछ खाया जाए, तो वी ऑल ऑप्टेड फॉर दिस मंदी। तो बड़ी मज़ेदार मंदी है जी, चलें हम खाते हैं और इन्जॉय करते हैं थोड़ा। मतलब वो कैसी लगी है मंदी? टू गुड, टू गुड। सच में फाइन, पता हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए।